गाइस वेलकम माय चैनल। प्लीज़ गाइस ये मेरा न्यू ब्लॉग है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैंने अभी ड्यूटी से आया हूँ घर पे, तो अभी दोपहर 2 बज के अभी तक मेरा लंच नहीं हुआ है क्योंकि घर में कोई नहीं है तो मुझे ही सब कुछ खाना बनाना पड़ता है और मुझे सब कुछ देखना पड़ता है और बाहर भी संभालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है। तो घर में कोई नहीं है, जस्ट मेरा जीजा जी है, मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, मेरा छोटा एक बेटा है। तो वो लोग दोनों, एक जन तो स्कूल चले गए, एक जन ड्यूटी चले गया। जीजा अभी तक ड्यूटी से आया और मैं और जीजा ड्यूटी से आके घर में छोटा मोटा जीजा जी काम कर रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। तो आज मैंने बना रही हूँ ऐसे क्या बोलता है, इसको नाम मालूम नहीं है तो जल गया थोड़ा सा, बट ऐसा हम खाती हूँ तो इसको अभी बंद कर देंगे क्योंकि जल जा रहा है। तो इसको क्या बोलता है मालूम नहीं, झींगा बोलता है क्या, चिकना बोलता है मालूम नहीं है। तो हमारा वेस्ट बंगाल का जो ये सब्जी है ना ये अलग है और यहाँ का जो बेंगलोर का सब्जी ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो आज मैंने तो बनाया है जे करेला बनाया, करेला इसका बिटर गोट बोलता है आप लोग तो मालूम है इंग्लिश में, तार बंगाली में करेला बोलता है और उच्छे भी बोलता है, तो हम इसको करेला बोल रहे हैं ठीक है। तो और बनाया हम चिकन बना रही हूँ, आज हम बना रही हूँ चिकन। तो बहुत लाल लाल हो गया चिकन मेरा और बहुत ही अच्छा मज़ेदार खाना है मेरा चिकन। और बना है नमक स्टिक ऐसे, ये वाला सचिनी डाटा बोलता है ये, और आलू का, आलू और मास्टर सीड का सब्जी बनाया। तो और राइस बनाया, आज रात में मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि अभी सारा में सब्जी खत्म कर दिया क्योंकि बना दिया मैंने, अभी तक सब कुछ हो भी गया है मेरा खाना रेडी भी हो गया क्योंकि, और रात में कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर मुझे ड्यूटी जाना पड़ेगा और मैं बहुत थक जाती हूँ, दिन भर खाली काम करती रहती हूँ, फिर घर में आधा घंटा एक घंटा टाइम मिलता है, फिर बच्चा को लेके ट्यूशन कर देती हूँ और थोड़ा सा घर में छोटा मोटा काम भी करती हूँ और खाना बनाना पड़ता है। तो बहुत काम होता है घर पर और बाहर भी बहुत ही काम होता है, तो दोनों मिला के तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरा हेल्थ भी प्रॉब्लम है क्योंकि किडनी में स्टोन हो गया 2 साइड में और डॉक्टर ने बताया ये स्टोन जो हो गया इसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करने के लिए बताया क्योंकि बहुत हो गया, ज़्यादा ही हो गया कि 8 mm का, 1 10 mm का हो गया। तो डॉक्टर ने बताया अगर नहीं निकालेगा तो उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत वीक भी हो गई, बहुत थीन भी हो गई, तो मेरा बॉडी बहुत धीरे धीरे वीक हो जा रहा है क्योंकि मेरा बेस्ट में वाटर सिस्ट भी हो गया, मेरा हार्ट प्रॉब्लम मेरा को पकड़ लिया। तो ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ संभाल के जीना पड़ेगा, मुझे जीना तो है, ऐसा तो मर नहीं सकती हूँ बच्चा के लिए, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि छोटा बच्चा है उसको, उसके लिए मुझे जीना है। और बाहर क्या काम, घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा, पर क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग बेंगलोर आया दूर से गांव छोड़ के, मगर फैमिली छोड़ के, पेरेंट्स लोग को छोड़ के, ससुराल छोड़ के आया हूँ यहाँ पे काम करने। अगर काम नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर बेंगलोर में ही नहीं अदर्स कंट्री में बहुत ही ज़्यादा सब कुछ महंगा है, खाना का चीज़ से, डॉक्टर का, स्कूल का। तो बेटा को अच्छा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि करना पड़ेगा, अकेले काम करने से, अकेला मेरा हस्बैंड काम कर रहा है बेंगलोर में, फैमिली मेंटेनेंस के दो फैमिली ससुरियाल और यहाँ पे जो हम लोग अभी, तो दोनों फैमिली मेंटेनेंस करना पड़ता है गाइस। तो वहाँ पे मेरा फादर इन लो वो भी डेथ हो गया, वहाँ पे हेल्पिंग करने वाला कोई नहीं है, खाली मेरी सासू माँ है वो भी बाहर में थोड़ा छोटा मोटा काम करती है और हम लोग भी यहाँ पे काम करती हूँ। तो उसको एज भी हो गया तो हम मना कर दिया बाहर में कुछ काम मत करो, बोल रहा है हम बैठने से और भी मुश्किल होता है इसीलिए। तो गाइस ये हमारा स्टोरी बहुत है, स्टोरी क्यों बेंगलोर में आया, किस चीज़ के लिए आया,
फिर कब हम लोग कोलकाता शिफ्ट होएंगे सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी। मेरी इतना छोटा उम्र से क्यों शादी हो गया सब लोग बताऊंगी, कैसे मेरा जिंदगी चल रहा है सब कुछ बताऊंगी। अगर प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग मुझे प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा कि वो क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोग का। प्लीज़ गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और ऐसा ही छोटी बहन सोच के छोटी फैमिली सोच के आप लोग का और क्या बताऊँ, छोटी दीदी सोच के बहन सोच के कुछ भी सोच के, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं इतना अच्छा क्लियर हिंदी बोल नहीं पा रही हूँ इसीलिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैंने। प्लीज़ आप लोग छोटा मोटा गलती के लिए आप लोग मुझे माफ़ कर सकता है। तो ठीक है गाइस, मैं तो अभी यहाँ पे और चिकन तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नहीं डालूँगी क्योंकि ये लोग पानी पानी नहीं खाता है, तो थोड़ा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ, थोड़ा सा डाल दूँगी। तो आज का तो मैं रात में खाली रोटी बनाएगा तो मेरा रोटी हो जाएगा, रोटी बना लूँगी खाली, तो देखता हूँ टेस्ट करके कैसे हो गया। ओह माय गॉड, सॉल्ट नहीं डाला गाइस, बिल्कुल नहीं डाला मैंने सॉल्ट। अच्छा हो गया मैंने टेस्ट कर लिया, तो सॉल्ट डाल देती हूँ थोड़ा। टाइम भी हो गया 2 बज गया, तो अभी गंगा जल दो है, तो अभी मैं इसको सीटी डाल देंगे क्योंकि चिकन थोड़ा सा पकना चाहिए इसीलिए। तो और कुछ नहीं है, आज वेदर बेंगलोर का वेदर बहुत ही अच्छा है क्योंकि धूप निकल गया, 1 महीना का ऊपर खाली बारिश ही हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और बारिश में बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम भीग गए मैं काम के लिए निकलती हूँ और बहुत ही ठंडा लग जाता है, इतना ही है। आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा घर इतना अच्छा जगह पे है, बगल रोड का ऊपर है मेरा घर और इतना अच्छा है रोड का साइड में, और तो दिखाऊंगी थोड़ा सा। अभी ये जो मेरा जीजा जी पूजा करेंगे क्योंकि 2 दिन हो चुका है मैं पूजा कर नहीं पाया गाइस। मुझे ये मेरा राजवल्लभी माँ है, मुझे बहुत देखता है, बहुत अच्छी मेरी बात सुनती है, और मेरा बजरंग बली, मेरा लक्ष्मी, मेरा साईं बाबा, सब कुछ दिखा दिया। और मेरा देखिए कितना अच्छा से मैंने पॉट लगाया, ये बाजू वाला फैमिली पसंद नहीं करता है सब कुछ, मुझे मेरे से बहुत झगड़ा करता है क्योंकि मेरा थोड़ा सा ही जाएगा मिला मगर चलने का जाएगा है, मैं साइड पे ही डाला है ये वाला पॉट क्योंकि मेरा पास बड़ा प्लेस नहीं है गाइस, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो मुझे अच्छा लगता है सारा, ये कारी लिप्स है मुझे बहुत पसंद है, कारी लिप्स कारी, ये साउथ वाला का फेमस है, ये मैंने लगाया और सब कुछ लगाया। और धूप देखिए बहुत ही धूप है, और रास्ता का ऊपर मेरा रास्ता का साइड में रखा है, देखिए कितना अच्छा है ना, तो मुझे बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इतना सारा धूप निकल गया गाइस क्या बताओ, तो बहुत अच्छा हो गया, डेली डेली बारिश और बारिश हो रहा है इसीलिए। तो कैसे लग रहा है मेरा वीडियो, अगर अच्छा लग गया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। हाँ और हाँ हाँ और मेरा बेटी को देख लीजिए, क्यूट सा मेरा बेटी है, और मेरा जीजा जी अभी पूजा कर रहा है, और देखिए मेरा बेटी, क्यूटी बेटी, जो मैं अकेली रहती हूँ तो इनका साथ में बहुत सारा बात करती हूँ। बेटी तो मेरा बेटी हो बताओ, बात बेटी हो। ठीक है गाइस, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। टाटा।